कानपुर को हिंसा में झोंकने की साजिश से पर्दा लगातार उठ रहा है। हर किरदार का चेहरा पुलिस बेनकाब कर रही है। साजिश के तार कहां कहां से जुड़े हैं उसे पुलिस खंगाल रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं इससे पहले हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसका हर एक सच सामने आ गया। जफर हयात की एक फोटो कांग्रेस के बड़े नेता के साथ देखी जा रही है। वहीं जिस तरह से कहा जा रहा था कि कानपुर में हिंसा की सुनियोजित साजिश रची गई जिसमें सफेदपोष का हाथ भी हो सकता है, पुलिस जांच में अब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी का नाम सामने आया है। जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि समाजवादी पार्टी नेता ने इस हिंसा की कई दिन पहले ही तैयारी कर ली थी। इस हिंसा में हयाज जफर हाशमी के अलावा ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी एक्शन कमेटी का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है। इस संस्था का जिला अध्यक्ष निजाम कुरैशी है जो कि समाजवादी पार्टी का महानगर सचिव भी है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि निजाम कुरैशी का समाजवादी पार्टी के तीनों विधायकों से अच्छे संबंध भी हैं। निजाम कुरैशी की संस्था का नाम CAA और NRC के वक्त हुए बवाल में भी सामने आया था। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों का हाथ निजाम कुरैशी पर था। दावा ये भी किया जा रहा है कि निजाम ने बंदी की पूरी रणनीति अपने समुदाय के लोगों के साथ साझा की थी, जिसे लेकर उसने नई सड़क से जुड़े इलाकों चमनगंज बेकनगंज बकर मंडी तलाक महल दादा मियां के हाथे के साथ साथ रेल बाजार फेरफुलगंज और पेचबाग में कई बैठकें भी की थी। इस दौरान उसने अपनी कमेटी के कई सदस्यों को पूरी रणनीति समझाई और कब क्या करना है इसके बारे में भी सभी को जानकारी दी। जिस दिन कानपुर में हिंसा हुई उस दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट कर सवाल उठाया और BJP प्रवक्ता पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी जता दिया कि आखिर हिंसा क्यों हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने हिंसा की निंदा नहीं की। वहीं अब अखिलेश यादव की पार्टी के नेता का नाम हिंसा में आने के बाद क्या अखिलेश यादव ट्वीट कर देश से माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता का नाम हिंसा में सामने आया है।